डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए 1,30,000 की अवैध अंग्रेजी शराब और अवैध देसी महुआ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत 84 थाना पुलिस ने नाकाबंदी और तलाशी अभियान के दौरान एक कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार गेजी चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान एक टोयोटा कार को रोका तो कार ड्राइवर गाड़ी को तेज गति से भगाने लगा, जिस पर हेड कांस्टेबल ने मोटरसाइकिल को कार के सामने लगाया। कार को रोका तब कार चालक कार को छोड़कर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने कार चालक राजेंद्र जोगी निवासी गुजरात को पकड़कर पूछताछ की तो चालक ने गाड़ी में शराब होना बताया। पुलिस ने गाड़ी में तलाशी ली तो अलग अलग किस्म की अंग्रेजी शराब लकड़ी का बॉक्स बनाकर शराब को ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।